बुरहान जब पैदा हुआ था तो उसके नेक्स्ट डे से मैंने डाइट स्टार्ट की थी मतलब मैंने प्रॉपर डाइटिंग वाला काम नहीं था लेकिन एक जो है वो हेल्थी डाइट थी मुझे वेट एटी सेवन के था और विद इन मंथ जो है वो अल्लाह का शुक्र है वो सेवेंट पे आ गया था जी यहाँ पे जो है वो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी एटिव देने वाली हूँ अगर जो है वो आपका हेयरफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो जिस जिस शैम्पू के अंदर ये सॉल्ट है वो आपका हेयरफॉल लाजमी करेगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सबसे पहले मैं आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद दूंगी अल्लाह हम सबको ये तोफीक दे कि हम इस मुबारक में पूरे रोज़े रखें और अल्लाह की खूब इबादत करें जितनी हमसे हो सकती है आज की रात अल्लाह ने एक शैतान को तो जी बांध लिया है अल्लाह करे कि हमारे जो नफ्स का शैतान है हम उसको भी कंट्रोल कर सकें उसको भी बांध सकें और इस महीने में वो सारी बातें वो सारी तस्वीर कर लें अल्लाह हम सबको तोफीक दे मुझे भी तोीक दे आप सबको भी तोीक दे अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगी कि हम किसी से भी चीज़ मांग लेते हैं मतलब अपने अम्मी से मांग लेते हैं अपने अबू से मांग लेते हैं क्योंकि वो हमारे अपने हैं और हमें जो है वो उनसे मांगने में कोई शर्म या हया महसूस नहीं होती तो अल्लाह से मांगने में क्या जो है वो परहेज़ है मतलब अगर कोई औरत चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके उसके साथ वफ़ादार हो जाए या उसके जो बच्चे हैं वो जो है वो फर्माबरदार हो जाएँ तो अगर ये सब चीज़ें जो है वो हम अल्लाह से मांगना शुरू हो जाएँ तो मुझे लगता है कि वो अल्लाह क्यों नहीं सुनेंगे तो जी इस रमज़ान आप एक लिस्ट तैयार कर लें और उस लिस्ट में आप बाकायदा जो है, वो पॉइंट आउट करके लिखें कि आज हमने अल्लाह से ये मांगना है आज हमने अल्लाह से ये मांगना है आप एक दफा मांगना स्टार्ट करें वो देने वाला है जी अच्छा बहुत सारे लोगों को ना दूसरों की जिंदगी देख के लगता है कि इसकी जिंदगी तो बड़ी फैंटसी वाली है और इसकी जिंदगी में जो है वो किसी किस्म की कोई कम नहीं है तो यहाँ पर मैं यही बात करूँगी कि आप किसी भी बुक के उसके कवर पर दें हर किसी ने अपने हिस्से की तकलीफ और अपने हिस्से की परेशानियाँ जो है वो देखनी ही देखनी है खैर आज का ब्लाग स्टार्ट करते हैं आज ही बहुत ही एक सा दिन होने वाला है क्योंकि रमजान है और बहुत सारे काम करने बहुत सारी तैयारियां करनी है और जी आज मेरे मियाँ जी घर थे और वो घर पे हों और मैं किचन में ना हो ये हो ही नहीं सकता मतलब जब उन्होंने घर होना होता है उन्होंने कुछ ना कुछ हर टाइम कुछ खाने की फरमाइश लाजमी करनी होती है और आज की फरमाइश थी जी कलेजी अब मुझे कलेजी जो है वो बिल्कुल नहीं बनानी आती थी और जो लोग मुझे जानते हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि आज से डेढ़ साल पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बनाना आता था तो वो एक अंडा बनाना आता था उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता और अब जो है वो अलहमदिल्ला मैं जो है वो बहुत जल्द एक प्रोफेशनल कुक बनने वाली हूँ सो मुझे कलेजी नहीं बनानी आती थी तो मैंने कहा कि चले जी लेट्स ट्राई एक तो अल्लाह का शुक्र है मेरी सास बहुत अच्छी है वो मुझे बहुत हेल्प आउट करती हैं हर मामले में उन्होंने जो है वो मुझे प्रॉपर गाइड किया हुआ है दूसरा जी इंटरनेट का शुक्रिया और इस तरीके के यूट्यूब वीडियोज का शुक्रिया आप बस जल्दी से फटाफट निकालो और जी बना लो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सो so, पहली दफा एक ले बनाई और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा अच्छी बनी और सबको बहुत ज्यादा पसंद आई और आज जी हम जा रहे हैं रमजान की ग्रॉसरी करने हम लोग जो है वो लास्ट पे जाते हैं रमजान की ग्रॉसरी करने क्योंकि जी हमें थर्टी फाइव परसेंट ऑफ मिलता है स्पेशली रमजान में आर्मी की तरफ से सो हम जो है वो अपने रमजान के कार्ट पे ही जो है वो इसी वजह से हम ग्रॉसरी जो है वो लेट करने जा रहे हैं क्योंकि थर्टी फाइव परसेंट ऑफ को जी कौन अवेल नहीं करना चाहेगा अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो कजन है और फैमिली मेबर्स हैं वो कहते हैं हाँ जी तुम्हें आर्मी वाले ने तो लोटे खा लिया सानू मतलब पूरे मुल्क को तुम लोगों ने खाया हुआ है तो जैसा कुछ नहीं है हम तो बड़े मासूम से लोग हैं हमें क्या बताया जो है वो आर्मी वालों का जो है वो क्या सीन है खैर मोहम्मद जो है ना वो अपनी ट्रॉली पे बैठ चुका है और सबसे पहले हमेशा ब्रेक लगती है जी दालों पे क्योंकि जी मेरे ससुर को दाल बहुत पसंद है या तो दाल पसंद है या गोश्त पसंद है मतलब उनको बस ये दो चीज़ें पसंद है इन बिटवीन वाला कोई काम नहीं है और जी हर चीज़ को आग लग गई है मतलब वो पता नहीं कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मतलब उनका रिलीजियस ओकेजन आते हैं तो वो हर चीज़ पर ऑफ लगा देते हैं लेकिन हम मुसलमान हम न जाने हम कैसे हैं कि हर चीज़ पर जो है वो आग लग गई है अल्लाह हम सबको जो है वो हदायत दे और हमारे हुक्मरानों को तो पहले दे और अगर यहाँ पर नैडोज लवर्स हैं तो ये एक छोटी सी टिप मेरी तरफ से अगर नेंडोज़ नहीं जा सकते तो ये पैरी पैरी सॉस ले जो है वो आप कोई भी फास्ट फूड खाते हो तो यार ऐसे लगता है जैसे नैंडोज में बैठे हो मतलब ये इतनी यमी है और ये बहुत इकनॉमिकल है कुछ ज्यादा जो है वो महंगी नहीं और तो जी मेरी तो सब सॉसेस में से सबसे ज़्यादा जो है ये प्यारी प्यारी सॉस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है वो आजकल फेवरेट बनी हुई है खैर यहाँ पे प्रॉपर ग्रॉसरी चल रही है मोहम्मद जो है वो अपने स्नैक्स की तरफ देख रहा था कि जी मुझे आज कौन कौन से स्नैक्स मिलेंगे और मायूस होकर बैठा हुआ है खैर बहुत जल्द इसको स्नैक्स मिलेंगे यहाँ पे जो है वो हमें कुछ चक चाहिए थे घर के लिए क्योंकि अफ्तारी में पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो हम थोड़े से इस सेशन में आए हुए थे और यहाँ पे आएँ और जी उनको कुछ ना पसंद आए यहाँ पर ये प्लेट्स जो है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी पता नहीं ब्लैक कलर हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जहाँ भी जाऊँ मेरी कबड़ में कुछ दस सूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ही हैं और मतलब वो तकरीबन एक जैसे ही हैं खैर इसी तरीके से पूरे रमज़ान की ग्रॉसरी जो है वो हो रही है और कैचअप के बगैर तो पकौड़ों का कोई मज़ा ही नहीं है ऑल दो तो रमज़ान जो है वो एक बेहतरीन आपके पास वो वाले डेज हैं जिसमें आप वेट लूज़ करते हो और बहुत ज़्यादा अच्छे वाला वेट लूज़ कर सकते हो और बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो लेकिन भई पाकिस्तानी ववाम हम तो भाई पकौड़े भर भर के खाएंगे और जो है वो हर फ्राई चीज़ खाएंगे यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई बिस्किट का क्या काम है रमज़ान में तो जी हम वो वाली कॉम है जो सारी रात रमज़ान में जो जागते हैं और सुबह उठ के रोजा तो रखे सोते हैं तो सारी रात भी तो हमने कुछ खाना है भाई हम पहलवान हैं हम हर टाइम कुछ ना कुछ खाते हैं यहाँ पे जो है वो मैंने बुरहान के लिए केक्स देखे लेकिन अभी तो जी वो छोटा है अभी नहीं नेक्स्ट टाइम सही इनशा खैर मैं अपने वेट लॉस की बात कर रही थी मैं इतनी कोई कंसिस्टेंट हूँ अपने वेट को लेके मतलब मैं सही वाली सख्त वाली डाइट करती हूँ मतलब अब बुरहान जब पैदा हुआ था तो उसके नेक्स्ट डे से मैंने डाइट स्टार्ट की थी मतलब मैंने प्रॉपर डाइटिंग वाला काम नहीं था लेकिन एक जो है वो हेल्थी डाइट थी मुझे पता था कि मुझे अपना वेट लूज़ करना है और मुझे किसी भी हाल में करना है और यकीन करें मैंने बुरहान के लिए जो आई हुई मिठाई थी उस मिठाई को भी नहीं चखा था इतनी कोई डीशेप हुई हुई होती है ना आपकी डिलीवरी के बाद बॉडी कि आपको जो है वो देखने को दिल नहीं करता और जब खुद को इतनी बुरी लग रही होती है तो भैया हस्बैंड बेचारे क्या करें और इसी वजह से जी मैंने विदन मंथ सेवनटीन के जो है वो लूज़ किया था एट द टाइम ऑफ बर्थ बुरहान जब पैदा हुआ था तो जी मेरा वेट एटी सेवन के था और विद इन मंथ जो है वो अल्लाह का शुक्र है वो सेवेंटी पे आ गया था uh, जी यहाँ पे जो है वो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी एक टिप देने वाली हूँ क्योंकि जी मैं एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट हूँ और जो है वो मैंने इस पर बड़ी स्टडी की हुई है uh, अगर जो है वो आपका हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक सॉल्ट है जिसे हम कहते हैं सोडियम लॉरेथ सल्फ़ेट तो ये सॉल्ट जो है वो बेसिकली वो डालते हैं झाग बनाने के लिए शैम्पू में तो जिस जिस शैम्पू के अंदर ये सॉल्ट है वो आपका हेयर फॉल लाजमी करेगा तो कोशिश करें कि वो वाला जो है वो आपने शैम्पू लेना है जिसमें ये इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम हो और बेबी के साथ ग्रॉसरी करना बहुत मुश्किल है तो मैं जी इन बिटवीन ही सब कुछ छोड़ के मैं आ गई और मैं आके जो है वो गाड़ी में बैठ गई और मैंने कहा अजीम को कि आप बाकी सब जो है वो आप खुद ही देखें सो so, इसके साथ आज का ब्लॉग खत्म होता है काइंडली मुझे और बुरहान को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और एक छोटा सा वजीफा यहाँ पे बताऊँगी एक तस्वीर है उस पर मेरा बड़ा ही बिलीव है और वो वस्वी है जी सुबह अल्ला हमदी ही सुबह अल्लाज़ीम मैंने जब जब अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत ज़्यादा परेशानी में पाया है मैंने इस तस्वीर का विरद बहुत ज़्यादा किया है और और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उस काम में जो है वो आसानी पैदा किया और वैसे भी हज़रत अबू रहा की रवायत से है जी आ, कि अगर आपके गुनाह समुद्र की झाक के बराबर भी हैं तो अगर ये तस्वीर जो है वो आप करते हैं तो अल्लाह जो है वो आपको माफ़ कर देगा तो एक तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे दूसरा जो है वो मुझे लगता है मुश्किल बहुत ज़्यादा जो है वो आसान होती हैं अल्लाह जी हम सब के लिए आसानी पैदा करें अल्लाह हाफिज़